हेलो स्टूडेंट्स हम क्लास फिक्थ की ई चैप्टर नंबर एट रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे हमने पहले इस पे दो वीडियोस बना न, बना ली हैं अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा कि रॉक्स थ्री टाइप्स के होते हैं इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ा उनकी इग्जाम्पल्स ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी पढ़ा और सेडिमेंट्री रॉक्स की कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी पढ़ा लेकिन आज हम कुछ एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में दोबारा से पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक की फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है सैंडस्टोन सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड इन डिजर्ट और ऑन सी बीचज विच हैव बीन नेचुरली सीमेंटरी टुगेदर सैंडस्टोन सैंड की अलग अलग लेयर से बनते हैं जो सैंड डिजर्ट्स में होती है या सी बीच समुद्री तटों पे जो सैंड होती है वो इकट्ठा होकर सैंडस्टोन को बनाती हैं द रेड रॉक ऑफ डिवॉन इंग्लैंड इज अ टिपिकल सैंड स्टोन इंग्लैंड के डिवोन भी सैंडस्टोन स्टोन की एक एग्जाम्पल है सैंडस्टोन और कॉमनली यूज एज बिल्डिंग मटीरियल सैंडस्टोन स्टोन का इस्तेमाल आमतौर पर बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है द रेड फोर्ट एट डेली एंड आगरा और मेड अप ऑफ रेड साइंसटोन डेली और आगरा के जो रेड फोर्ट हैं वो भी इन्हीं रेड स्टोन से बने हुए हैं जयपुर को पिंक सिटी भी कहा गया है नेक्स्ट इज लाइम स्टोन लाइम स्टोन इज अ बायोजेनिक रॉक इट इज मेड अप ऑफ लिविंग मटीरियल लाइम स्टोन एक बायोजेनिक रॉक है ये लिविंग मटेरियल से बना हुआ है बायोजेनिक मींस ये लिविंग मटेरियल से बना हुआ है द शैली लाइम स्टोन इज मेड अप ऑफ ब्रोकन सी शेल्स जो शेली लाइम स्टोन होता है वो टूटे हुए सी शेल्स से बना हुआ होता है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक और रीफ लाइम स्टोन एंड कोल रीफ लाइम स्टोन और कोल भी बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल हैं। लाइम स्टोन इज ऑल्सो हार्ड रॉक एंड इज कॉमनली यूज एज ए बिल्डिंग मटीरियल लाइम स्टोन भी बहुत सख्त चट्टान होती है और ये भी बिल्डिंग मटीरियल में इस्तेमाल किया जाता है शेल शेल इज़ फॉर्मड ऑफ कम्प्रेस्ड मड सिल्ट एंड क्ले मोस्टली ड्यू टू प्रेशर शेल तीन चीजों से बना हुआ है मड सिल्ट एंड क्ले ये जब कम्प्रेस हो जाते हैं प्रेशर की वजह से तो ये शेल बनाते हैं शेल रॉक इज मेड अपलिट पीसेस। शेल का जो चट्टान होती है वो बराबर लेयर से बनी हुई होती है और आमतौर पे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है यहाँ पे शेल रॉक बनाया हुआ है और यहाँ पे शैली लाइमस्टोन है रॉक साल्ट सी वॉटर कंटेंस डिजोल्व मिनरल समुद्र के पानी में बहुत सारे मिनरल डिजोल्व होते हैं घुले हुए होते हैं out, जब समुद्र सूख जाता है समुन्द्र के तटेला इलाके सूख जाते हैं तो मिनरल्स वहां पे जमा हो जाते हैं रॉक साल्ट इज टिपिकल केमिकल सेडिमेंट्री रॉक रॉक साल्ट भी एक सेडिमेंट्री रॉक है And the next is chalk. is chalk. Chalk Chalk made up of millions of millions tiny calcium carbonate से बना हुआ होता है नेक्स्ट है fill in the ब्लैंक्स अभी तक हमने जो पढ़ा इससे रिलेटेड यहाँ पे थ्री फिलिंदा ब्लैंक्स पूछे गए हैं लाइम स्टोन इज अ डैश डैश रॉक लाइम स्टोन कौन सा रॉक है अभी हमने पढ़ा कि लाइम जो है वो एक बायोजेनिक रॉक है शेल मर्ड सिल्ट एंड क्ले साइंड स्टोन और कॉमनली यूज एज बिल्डिंग मटीरियल स्टोन का इस्तेमाल ज्यादातर बिल्डिंग मटीरियल में किया जाता है बच्चों मैं आपको कुछ और भी यहाँ पे पिक्चर्स दिखाती हूँ यहाँ पे सैंडस्टोन की ये पिक्चर है यहाँ पे देखो सैंडस्टोन एक ऐसा पत्थर होता है इस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखे होंगे लाइम स्टोन ये लाइम स्टोन है लाइम स्टोन ऐसा होता है दिखने में चाक ये चाक है चाक का पत्थर ऐसा होता है दिखने में मार्बल मार्बल का पत्थर ऐसा होता है आगे हम अभी एक और स्टोन के बारे में पढ़ेंगे जेनसिस देखो जेनसिस का रॉक ऐसा होता है इस पर पे लाइंस होती हैं। इसके बारे में में भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। स्लेट, स्लेट, स्लेट का ऐसा होता है टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स आर चेंज्ड रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक जो है अलग किस्म की चट्टें होती हैं द इंटेंस हीट एंड प्रेसर इनसाइड द अर्थ चेंजेस द इग्निशियस एंड द सेडिमेंट्री रॉकस इंटू मैटामॉर्फिक रॉक्स हमारी जमीन के अंदर ज्यादा गर्मी होने की वजह से और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही होता है चेंज हो जाना बदलाव में आना द करेक्टिटी ऑफ पेरेंट रॉक ड्यू टू द चेंजेस इन द मिनरल कंटेंट ऑफ द रॉक मेटामार्फिक रॉक जो है अपने पेरेंट रॉक से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि इनमें मिनरल मिनरल जो मिनरल का जो कंटेंट है वो अलग-अलग होता है शेल एंड मॉर्बल्स आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक शेल और मॉर्बल ये मेटामॉर्फिक रॉक की कुछ एग्जांपल्स हैं जेनेसिस एंड कोल आर अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक जेनेसिस और कोल भी मेटामॉर्फिक रॉक की कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी जेनेसिस रॉक की डायग्राम दिखाई थी पिक्चर्स दिखाई थी मैंने देखो यहां पे ये है जेनेसिस जेनेसिस का रॉक इसमें पेड्रल लाइंस होती हैं, कोल आप लोगों को पता होगा कोयला नेक्स्ट है स्लेट स्लेट इज अ डार्क ग्रे एंड शाइनी रॉक इट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामोर्फिस ऑफ शेल शेल ग्रे कलर का शाइनी रॉक होता है चमकीला रॉक होता है ये शेल की मेटामो मोरफिस से बनता है थिन बहुत आसानी से छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है अलग हो जाता है। स्लेट इज यूज एज एंड चाक स्लेट का इस्तेमाल छतों को बनाने के लिए किया जाता है और इसी का इस्तेमाल चाक बोर्ड को बनाने के लिए भी किया जाता है दिस इज स्लेट यहाँ पे स्लेट का पत्थर दिखाया है मार्बल मार्बल इज अ टाइप ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक की एक किस्म है फॉर्म्ड व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन लाइमस्टोन जब लाइमस्टोन पे ज्यादा हीट अप्लाई की जाती है ज्यादा गर्मी दी जाती है उससे लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है इट इज अ स्मूथ रॉक ये बहुत ही स्मूथ रॉक मुलायम रॉक होता है इट इज एन अट्रैक्टिव बिल्डिंग एंड स्कल्पटिंग मटेरियल इसका इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में और कुछ मूर्तियां वगैरह बनाने में किया जाता है इट इज आल्सो यूज इन मेकिंग स्टेट्यूज ये स्टैचूज बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है टेबल टॉप्स एंड वेरियस अदर आइटम्स टेबल की टॉप्स बनाने के लिए और बहुत सारे आइटम्स को बनाने के लिए मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है इट्स कलर कैन वैरी फ्रॉम वाइट टू वाइट स्ट्रीक्ड विद ब्राउन रेड और ग्रे इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं कुछ मार्बल व्हाइट कलर का होता है कुछ व्हाइट कलर का और उसमें ब्राउन कलर की लाइंस होती हैं, कुछ रेड कलर का कुछ ग्रीन कलर का और कुछ ग्रे कलर का मार्बल होता है नेक्स्ट इज जेनेसिस जेनेसिस प्रोनाउंस नाइस इज द हाइस्ट ग्रेड ऑफ रीजनल मेटामोर्फिक रॉक जेनेसिस हाइस्ट ग्रेड का रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक है इट इज रॉक विथ कोर स्ट्रेक्चर एंड हैज लाइट एंड डार्क स्ट्रिक्स एंड बैंड अदर जेनेसिस रॉक मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया पिक्चर में दिखाया कि जो जेनेसिस रॉक होता है ये काफी ग्रे कलर का होता है और इस पे डार्क स्ट्रिक्स होती हैं और बैंड्स बने होते हैं अलग अलग लाइंस होती हैं एक एक दूसरे के आसपास पास अलग अलग लाइन्स होती हैं ये मिनरल्स की बनी होती हैं इट इज फाउंड इन ग्रे पिंक ब्लैक एंड रेड कलर्स ग्रे होने इनका अलग अलग कलर होता है ये ग्रे भी होते हैं पिंक भी होता है ब्लैक भी होता है और रेड कलर्स के मिनर भी होते हैं नेक्स्ट इज कोल कोल इज अ रॉक फॉर्म्ड बाय द मेटामोफिस ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स अंडर द अर्थ हमारी जमीन के अंदर कोल जो है किससे बनता है ये बनता है ये भी एक किस्म का मेटामोसिस की वजह से ही बनता है जमीन के अंदर धसे होने से जो प्लांट्स होते हैं हीट और प्रेशर की वजह से उनसे सारा मॉइस्टर और गैसेस निकल जाती हैं और सिर्फ वहां पे कार्बन रह जाता है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल हैज मोर कार्बन अच्छी क्वालिटी के कोल में ज्यादा कार्बन होता है लो क्वालिटी कोल कंटेन लेस कार्बन इन इट जो लो क्वालिटी का कोल होता है उसमें बहुत ही कम कार्बन होता है कोल इज ब्लैक बिकॉज ऑफ ऑफ प्रेजेंस कार्बन कोल कोयला काले रंग का होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन होती है कोल इज यूज एज ए फ्यूअल इन पावर हाउस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कोयले का इस्तेमाल ज्यादातर पावर हाउसों में किया जाता है बिजली बनाने के लिए इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ आयरन एंड इन मैनी रिफाइनरीज आयरन की एक्स्ट्रक्शन के दौरान भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी रिफाइनरीज में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है कोल अस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट सचे कोल तार कोल गैस अमोनिया एंड कोक कोल तार इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड कोल का इस्तेमाल बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है जैसे कोल तार कोलगेस अमूनिया और कोक और कोल तार का ही इस्तेमाल रोड्स बनाने के लिए भी किया गया है डियर स्टूडेंट्स ये हमारी पार्ट थ्री वीडियो थी इससे आगे मिनरल्स और मिनरल्स के बारे में हम अपनी पार्ट फोर वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू